कोशिश करेंगे और उन्होंने कहा है कि 365 की जो दिहाड़ी है वो मिलेगी, वो उस पर हमें कायम रहना पड़ेगा, हमें कायम रहना पड़ेगा और एक वादे की तरह नहीं, उसको एक तरह से गारंटी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और सुनवाई भी नहीं है। हर चीज़, पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और वो सिर्फ इनके लिए तो बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन जैसे आपके लिए भी आपत्ति है, सबके लिए है। तो मतलब अब समय आ गया है कि एक ऐसी सरकार आए जो जनता की समस्याओं को समझे और उनको सुलझाने की पूरी तरह से कोशिश करे दिल से, क्योंकि बगान में भी महिलाओं ने मुझे कहा, सब नेता आते हैं, हर समय बड़े बड़े वादे करते हैं, शायद उनको बहुत उम्मीद भी थी इस सरकार से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि शुरू में पैसे मिलते थे अकाउंट पे, शुरू में एक आध गैस सिलेंडर मिल गया, अब वही गैस सिलेंडर अंदर यहाँ पे भी, यहीं इनकी रसोई में भी खाली पड़ा है। 800-900 रुपये किसके पास है कि गैस सिलेंडर भरवाए? तो मतलब उम्मीदें थी, उम्मीदों को नकारा गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वादों पर अमल नहीं हुए हैं और स्थिति ये है कि देश में गरीबी बढ़ रही है। जो सरकार के जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, उनको सब कुछ मिल रहा है, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट भी खरीद लिया है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें उनकी उपलब्धियां हो रही हैं, उनको सुविधा मिल रही है और जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति तो बदलनी पड़ेगी, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनता को ही बदलनी पड़ेगी। विवेक आप सब में है, आप जानते हैं आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, वो जानते हैं। कोई नेता आके उनको बताए उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो सीखने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अधिकार आपको सरकार ने, मतलब लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार है, उसको इस्तेमाल करिए ठीक ढंग से, क्योंकि नहीं तो क्या बदलेगा। गोटे राइजे यू एटा अति अपना आवेगिक गोटे कथाबिल आज मैं जैसे देखिल महिला पात तोला महिला एरी दी खोजा ना प्रियंका गांधी बहुत कांदी से कारण एनेकवेश और आटायतक आचरित कथा पात तोला महिला हाथ सब कटा खहता हो गई से प्रियंका गांधी हाथ निजर गालत लगे जे कि खत और प्रियंका गांधी गाल डिंगी हाथ सब चुई आचरित हो मैं एने आवेगिक परिवेश माना भाव नार शेष टी गार्डेनर महिला एरी दी विचरा ना प्रियंका गांधी आम टानी आनबा एने अवस्था और आज एघर मानुहत मजदूर मानुर घर सोमा किचेन भर किचेन आम क्या ना अकले जब खुजिसे किचेन और किचेन अकले गई तक लाल चाह आम मजदूर लाल चाह खाए लाल चाह निमख दिया लाल चाह तब लाल चाह खाले गई से गति के एने इन सर्वसाधारण जी निष्पेषित लोकर जो मिली गई और बहि चाह बगिचार महिला पब्लिक मीटिंग जिमान समय दिया ना तक बेसि समय आज चाह बगिचार महिला प्राय 400 अधिक महिलार माटित बहि विभिन्न धৰণৰ भाव विनिमय गोटे परियाলৰ कथा শুনিছে, लड़ा छालीर कथा, अभाव अभियोग के चलिसे, मूल्य बृद्धिये के अवस्था करिसे, सरकार पा कि पाइसे, स्वास्थ्य व्यवस्था जे नाइकिया, पात तोला महिला जे बाच्चा प्रतिपालन करिबर कारणे जी बेबी केयर सेंटर बागानत प्लांटेशन एक मते थाकिब लागे सेइबिलाक जे नाइकिया, ए गुटेई कथाबिलाक कैसे और विशेषके मूल्य बृद्धिर फलत और बागानर लड़ा छाली जे कोनेओ चाकरि पोआ नाइकिया ए सरकार दिन जो बागानर कोनो लड़ा छालिये चाकरि पा ना ये अभियोगबिलाक आनिसे गति के बीजेपी तो आपलोके जाने 300-3000 टका दिलेई बागिचार श्रमिकर कारण करातो नुबुझा कईजनमान सरदारक एटा मोबाइल फोन दिसे और पार्मानेंट लेबारसक 3000 टकाके भराई दिसे। श्रमिकसकलो एतो कथा बुझि पाइसे, जे आमाक 3000 टका दि किनिब बिचारिसे। तेनलोकर मूल समस्यातो जे जनजातिकरण, मूल समस्या जे जनजातिकरण, मूल समस्या जे माटिर पट्टा, मूल समस्या जे चाकरी और आटाइतके डांगर कथा मूल समस्या जे 351 टका और एटा आमी कांग्रेसे 365 टका दिन बुली कोवात अति आनंदित होइसे, खुशी होइसे। तेनलोको बुझि पाइसे जे आमार ए मूल समस्याबिलाकर पाजे आमाक आतराय केवल 3000 टकार एटा मोबाइल दी आमाक जे आतराय राखिब खोजे ए कथा तेनलोको बुझि पाइसे। ए कथा बैंक के लोग, पूरे प्रदेश के लोग ने इस 5 साल की सरकार को देख लिया है। ये झूठ की सरकार है, झूठ का बुलंदा है, जो वादे करे हैं वो कभी पूरे नहीं करे। और आज आसाम की जनता ने तय कर चुकी है कि कांग्रेस की सरकार वापस लेके आए। और माननीय प्रियंका गांधी जी का खुद का ही बहुत एक मंत्र आसाम आने के लिए, खासतौर से जो टी ट्राइब के उनके साथियों से मिलने के लिए, महिलाओं से मिलने के लिए, दुख दर्द जानने के लिए, और एक बहुत बड़ा प्रेम गांधी परिवार के साथ पूरा हमारा आसाम भी है और चाहे नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेम है। यहाँ अमन, चैन और शांति आई तो सिर्फ स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वजह से आई। तो उनका एक बहुत बड़ा विश्वास है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। ये एक हमारा पूरा देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हमारा रिकॉर्ड है और एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। झूठ थोड़े दिन चल सकती है लेकिन एक समय के बाद वो झूठ का बुलंदा खुल जाता है और वो ही आज आसाम